अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और आज मैं आया हूँ एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के लिए दोबारा थंडन पार्क में। आज हमारी है ईद गैदरिंग की, और ईद गैदरिंग की हमने आज ईद पार्टी रखी हुई यहाँ पे अबाउट 20 to 25 families। और हमने इस दफ़ा वैसे कैटरिंग का सिस्टम जो है वो किसी और को दिया था। लेडीज़ ने कहा भाई हमसे कुकिंग नहीं होती, तो दोबारा पार्क में आए हुए हैं। वेदर बहुत ही अच्छा है, बादल और जो है वो धूप दोनों का मिक्सचर है। बट एनीवेज अबाउट 25 फैमिलीज हेयर टुडे। और आइए चलें आपको दिखाते हैं कि हमारी ईद की पार्टी यहाँ पे कैसे चलती है देसियों की। और रही बात ईद की, कुछ लोगों ने आज ईद की नमाज़ पढ़ी है मून साइटिंग के हिसाब से, हमने कल पढ़ी थी जो मतलब उल्मा के हिसाब से होती है, किसके हिसाब से होती है आई डोंट नो एग्जैक्टली। बट चलें आपको दिखाते हैं यहाँ की गैदरिंग कैसी है। टोकन वाले पहले आए, वाले वही रेट ले रह गए पीछे। टोकन वाले पहले आए, टोकन वाले पीछे। ओ सॉरी, शायद थोड़ा टोकन दो। चलो मेरे पास है ना, वो मेरा साथी आ रहा है, उसके नाम के नगेट्स होंगे। चलो इनविटेशन दिखाना है, कहां से शुरू करना है? इनविटेशन दिखाना है कहाँ से शुरू कर रहे हैं? मेरे ख्याल में तुम चक्कर के काट के निकल दो सर, फटो ताकि आधे बढ़ के ले आओ। खैरियां नहीं निकाल रहा, खैरियां वहाँ पे निकाल। हाँ जी, ये थी हमारी आज की ईद की गेट टुगेदर। मैं ज़्यादा वीडियोस तो नहीं बना सका क्योंकि काफ़ी गपशप चल रही थी, खाना पीना चल रहा था, तो इतना टाइम नहीं मिला के वीडियोस बना सकूं। बस एक छोटा सा शुरू में आपको दिखाया कि कितने लोग थे। कोई थे 20-25 फैमिलीज थी, कुछ लोग नए आए हैं, कुछ लोग पुराने हैं, पिछले साल भी मिले थे। ये बस हमारी यहाँ पे ईद पार्टी ऐसे ही होती है, 10-15 फैमिलीज़, 20 फैमिलीज़ आस्ते आस्ते एक्सटेंड हो रही हैं दिन ब दिन। तो साल के साल ईद पे ही मुलाकात होती है, या किसी की बर्थडे वगैरह आ जाए तब कहीं मुलाकात होती है। अच्छा है, एक आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हट के थोड़ा सा सोशल लाइफ मिलती है यहाँ पे, बट बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है। बस ऐसी ही लाइफ है यार यहाँ पे, आप आ तो जाते हो, लाइफ अच्छी है, नॉट बैड, मतलब कि आपका खाना पीना रहन सहन बहुत अच्छा यहाँ पे चल रहा होता है। स्ट्रगल होती है शुरू शुरू में, लेकिन जब आप एडजस्ट हो जाते हो, अपनी फैमिली वाले हो जाते हो, तो बस अपनी फैमिली के अंदर ही आपका वही सर्कल चल रहा होता है, जॉब से घर, घर से जॉब, वही फैमिली के साथ, बच्चों के साथ थोड़ा सा घूमने को निकल आए। फिलहाल ये हमारी क्या कहते हैं, आई थिंक फोर्थ टाइम गेट टुगेदर है इस पार्क के अंदर, थ्रॉन्डन पार्क में, जो कि बहुत ही प्यारा पार्क है। इधर मैं जब जब आया हूँ बड़ा अच्छा ये पार्क में देखने को मिला है, मौसम बड़ा अच्छा उस दिन होता था, आज इतफाक़ से भी मौसम बहुत प्यारा है। सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं आस्ते आस्ते, दिन ब दिन सर्दी होने वाली है। अब ऑलमोस्ट सारी फैमिलीज चली गई हैं, मेरे ख्याल से 2-3 फैमिलीज ही रह गई हैं, मैं और मेरे 2 दोस्त हैं जो बड़े अच्छे पुराने दोस्त हैं, उनकी फैमिली है, क्योंकि हमारे हैं बच्चे छोटे छोटे, तो वो अभी पार्क में खेल रहे हैं, उनका अपने अभी प्ले टाइम चल रहा है। वो कभी भी जो है ना वो बस नहीं करते, मतलब जितना मर्ज़ी उनको कह दो, उनका टाइम कभी भी उनका दिल नहीं भरता, हमारा भी नहीं भरता था जब हम छोटे होते थे। बस उनके लिए अब इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो थकेंगे, कहेंगे कि चलें अब घर, उस टाइम हम चलेंगे। बाकी अच्छा है यार एडलेड, नॉट बैड, एडलेड की लाइफ काफ़ी अच्छी है, सुकून वाली है। यहाँ पे आज जो लोग आए थे ईद गैदरिंग में, इसमें मेजॉरिटी जो है वो स्किल्ड वीज़े वाले हैं या सिटीज़न हैं, पीआर वाले हैं। लास्ट गैदरिंग जो हुई थी जिसमें मेरे दोस्त ने हमें पार्टी दी थी, उस मैम हमारी परमानेंट रेजिडेंसी नहीं आई थी, और हम स्किल वीज़े पे थे, वेटिंग में थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो ब्लॉग बना रहा हूँ, हम यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट हैं,
काफ़ी लंबी जर्नी थी, 12 साल की 12 ईयर्स जर्नी, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट लाइफ, फिर स्टूडेंट लाइफ के बाद स्किल्ड वीज़ा वर्क वीज़ा, उसके बाद फिर एलिजिबिलिटी हुई परमानेंट रेजिडेंसी की, वो अप्लाई की। टाइम लगा इस अचीवमेंट को लेते लेते, काफ़ी टाइम लगा। ज़िंदगी के 12 साल स्पेंड कर दिए, आए थे सिंगल थे अब जब परमानेंट रेजिडेंसी आई तो हम 1 से 4 हो गए, और बस अब तो खैर सब कुछ फैमिली के लिए होता है। ज़िंदगी यहाँ पे सुकून में है, सुकून में लिहाज के दूसरी किस्म की टेंशनें नहीं है, कमाई की ठीक है, खाने पीने की, रहन सहन की, वो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा हो जाता है। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, उस तरह का तो नहीं बना पाता जिस तरह का मैं सोचता हूँ, लेकिन चलें जैसा भी था, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह।